नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। पीलीभीत के बिसलपुर में तहसील पत्रकार एसोसिएशन के वार्षिक बैठक किसान सहकारी चीनी मिल के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में वार्षिक चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया। चुनाव के विनोद कुमार मिश्रा अखिल सिंह तोमर के सर्वसम्मति से संरक्षक चुना गया। वहीं आपको बता दें कि संरक्षक को देखरेख वार्षिक चुनाव का संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पातिराम गंगवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम बहादुर शर्मा, अनमोल शर्मा महामंत्री, सत्यदेव मिश्रा मुख्य प्रवक्ता एवं संगठन मंत्री रहे। वार्षिक चुनाव किसान सहकारी चीनी मिल गेस्ट हाउस में हुआ। बड़े भाई विनोद मिश्रा, बड़े भाई अखिल कुमार सिंह तोमर की अध्यक्षता में ये चुनाव सम्पन्न कराया गया। सभी साथियों ने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया और मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देकर के एक बहुत बड़ा काम मेरे ऊपर सौंपा है। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। जहां भी मेरी ज़रूरत होगी, संगठन की ज़रूरत होगी, मैं पूरी तरह से तत्पर रहूंगा। हां, एक बात और है कि कुछ संगठन, कुछ पत्रकार जो समाज में पत्रकारिता की छवि को धूमिल कर रहे हैं, संगठन में आज इस बात को पुरजोर से उठाया गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे संगठन में बड़ा पदाधिकारी हो चाहे छोटा पदाधिकारी हो, संगठन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। किसी भी साथी पर कहीं भी कोई आपत्ति होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई उत्पीड़न करेगा, तो पूरा संगठन उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। किसी कीमत पर पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में एक टूर ले जाए जाने का निर्णय लिया गया। ये टूर जागेश्वर धाम जाएगा। अगली बैठक बिलठंडा के गड़ानाथ मंदिर पर होगी, ये भी सर्वसम्मति से तय किया गया है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं कि पत्रकारिता को पेशा ना बनाएं, समाज के लिए काम करें, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा काम है पत्रकारिता का जो समाज को दिशा देने का काम करता है। कुछ पत्रकार साथी पत्रकारिता की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ये मैं हृदय से बहुत कष्ट महसूस करता हूं। सभी साथियों से फिर अनुरोध करता हूं कि पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखें। हां, अगर सही पत्रकार है, पत्रकारिता को जानता है, तो उसका कहीं भी उत्पीड़न होगा तो मेरा संगठन उनके लिए खड़ा दिखाएगा। ठीक है, धन्यवाद।